बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 101 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर को हम सेकेंड्स में कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ, 109 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 109 का। तो 9 का स्क्वायर 81, इसमें 9 ऐड कर दिए, सो ये हो गया 11881। हाँ जी, ये हो गया आपका स्क्वायर। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यहाँ मैंने ऐसा क्या किया जो आंसर इतनी जल्दी आ गई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल 0 to Hero 247 बिगनिंग ऑफ विनिंग। स्टूडेंट्स फिर से आ गए हैं शॉर्ट ट्रिक्स, जी नहीं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, ये मैजिक है को लेकर के। इसके पहले वाले क्लास में हमने 2 डिजिट्स के स्क्वायर को देखा था, वहां से बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, फोन भी किया था, मैसेजेस भी किए थे कि सर इस वीडियो को और 3 डिजिट के स्क्वायर्स को बताएं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स को आप शेयर करें। और पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया था, जैसे सैंतन, आस्था, आशीर्वाद, सुहाना, रोहन और बहुत सारे बच्चों ने थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। और इसी तरीके से वीडियो पे बने रहें और प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिलता रहे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले 109 का ही स्क्वायर लेता हूँ। कैसे करेंगे इसको, सो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और एक बार आप जान गए, मैं यहाँ पर 6 से 7 एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही करना स्टार्ट कर देंगे इसे सेकेंडों में, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नंबर हमें दिया गया है उसे हमें देखना है, बेस लेना है, बेस लेना है, ठीक है। बेस कैसा रहेगा, वो या तो 100 हो सकता है, 200, 300, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो यहाँ पर जैसे 109 है तो 109 का बेस कौन सा ज्यादा नजदीक है, 100 है ज्यादा नजदीक। ओके, सो हम यहाँ पर 100 लेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास कोई नंबर है 605 है, 610 है, 695 ऐसा करके, तो उस केस में हम कौन सा बेस लेंगे, 600 लेंगे या 700। 695 है तो उससे नजदीक कौन सा है, 700 है, 800 के करीब है तो 800 बेस लेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बेस क्या लिया, 100। उसके बाद क्या करना है, देखना है कि 100 से ये 109 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस 9 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, जितना भी ये नंबर ज्यादा है उतना प्लस में और उतना माइनस में इसको लिख देना है। सो ये हो गया प्लस 9 और ये हो गया माइनस 9। अब क्या करना है, जो 9 है कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का हमें स्क्वायर लिख लेना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम यहाँ स्क्वायर लेंगे वो हमेशा 2 डिजिट का होगा। अगर वो 1 डिजिट है जैसे 9 है तो उसको हम 0 करके 2 डिजिट बना देंगे। अगर वो 144 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 44 लेंगे और 1 को क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे आगे। सो हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ क्या लेना है, 2 डिजिट का नंबर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब 109 में 9 को ऐड कर दें, तो 109 में 9 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। और 109 में 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, और क्या करना है, ये वाले नंबर को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा हमेशा 100 से डिवाइड करना है, हमेशा। कोई भी नंबर, किसी का भी हम स्क्वायर निकाल रहे हो तो डिवाइड हमेशा किससे करना है, 100 से करना है। सो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 11881। ये हो गया आपका 109 का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था जिस कारण से मुझे इतना टाइम लगा, एक बार आप प्रैक्टिस करने लगोगे और हैबिचुअल हो जाओगे तो आप 5 सेकेंड 6 सेकेंड में आप इसके आंसर निकाल लोगे। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, 106 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 106 का कैसे करेंगे, 100 लेंगे इसका बेस, 100 से कितना ज्यादा है ये, प्लस 6, कितना और माइनस 6 भी ले लेंगे। उसके बाद 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, 36। उसके बाद क्या करना है, 106 में एक बार 6 को ऐड कीजिए
और 106 में एक बार 6 को माइनस कीजिए और डिवाइड हमेशा किससे करना है 100 से, सो ये 100 गया 11236। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें 112 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बेस क्या लेंगे 100 लेंगे, 100 से कितना ज्यादा है ये 12, तो 12 भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है 144 स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, एक बार 12 इसमें ऐड किए तो 124 और एक बार 12 इसमें माइनस किए तो 100 और डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहाँ पर हमें हमेशा क्या लेना है, दो डिजिट लेना है और जो अगर तीसरा डिजिट है तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ कैरी, तो ये हो जाएगा 12544। ओके सो एक बार आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लोगे। जैसे कि अगर मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 को प्लस करना है 8 को माइनस करना है। ओके 8 को प्लस कर दिए 8 को माइनस कर दिए, 8 का स्क्वायर 64, 8 को एक बार ऐड करना है और 8 को एक बार माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 100 हो गया 11664। ओके सो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 604 का स्क्वायर करना है। ओके 604 बेस क्या लेंगे, यहाँ पर 600 लेंगे, ठीक है 600 के ज्यादा नजदीक है, 600 से कितना ज्यादा 4, तो उतना ही माइनस करना है, 4 का स्क्वायर ले लेंगे 4 का 16 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 4 ऐड करना है तो ये हो गया 608 और क्या करना है 4 माइनस करना है तो 600 डिवाइडेड बाय हमेशा 100, सो 100 से 100 कैंसिल, सो ये हो गया 608 इनटू 6, सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 6 48, 4 कैरी 4 और 6 6 36, ये हो गया और ये एज इट इज यहाँ आ गया, सो ये स्क्वायर हो गया। सोचिए ये तीन डिजिट का नंबर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं 604 604, 4 4 16, 1 कैरी, 6 4 24, देन 0 0 0 0, देन 6 4 24, 2 6 6 36, देन ऐड करेंगे इसको तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर यही आपका प्रैक्टिस है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड में आप पूरे 99 मतलब 1000 तक का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। ओके सो एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए 594 है, इसका स्क्वायर करना है, 594 का स्क्वायर करना है, देन क्या करेंगे, किसके नजदीक है ये 600 के ज्यादा नजदीक है, 500 के नजदीक नहीं है क्योंकि 500 से 94 ज्यादा है, ठीक है 600 के नजदीक है, कितना कम है 600 से, माइनस 6 कम है और उतने ही हमें ऐड कर देना है प्लस 6, देन क्या करना है 6 का स्क्वायर 36, देन क्या करना है, अब तो आपको पता चल गया एक बार 6 को माइनस करना है तो 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 588 और एक बार 6 को प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 600 और 100 से हमेशा डिवाइड करना है। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48 कैरी 4, 8 6 48 48 और 4 52, 5 6 30 30 और 35 और ये इसको एज इट इज लिख देना है, ये हो गया आपका स्क्वायर। ओके सो ये तो था वो सारे नंबर जो कि 100 200 600 700 800 900 के नजदीक हो, ठीक है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा 418, इसका स्क्वायर करना है, 418 का स्क्वायर करना है, देन क्या करेंगे, किसके नजदीक है ये 400 के नजदीक है, 400 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है कितना और माइनस 18 भी कर देंगे। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है 18 का स्क्वायर, सो हमें कितना लेना है दो डिजिट लेना है। नाउ अब क्या करना है, एक बार 18 ऐड करें तो 436 और एक बार 18 माइनस करें तो 400 और डिवाइड हमेशा 100 से, सो ये कैंसिल हो गया 6 4 24, 2 4 3 14, 1 कैरी, 4 4 16, 17 और दो डिजिट, ये एक कैरी लेना पड़ेगा इधर, 3 को कैरी लेनी है तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये एज इट इज 24। ओके
तो ये सारे नंबर तो हो गए जो आसपास हैं 500 के 600 के, जिसके लास्ट में दो दो जीरो हैं। बट कुछ वैसे नंबर भी आ जाएंगे कभी कभी कि जो ना इस तरफ 500 के नजदीक हो 400 के, वो बीच में हो, जैसे कि 455 हो गया, 555 हो गया, 560 हो गया। तो ये सारे नंबर 500 600 से बहुत दूर है। जैसे कि आप लेते हैं कोई नंबर 460, इसको 464, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो 464 400 के कितना दूर है, कितना ज्यादा है, 64 ज्यादा है, और 500 से कितना कितना कम है, 46 कम है। तो 46 का स्क्वायर तो फाइंड नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आप सारे नंबर का स्क्वायर उंगलियों में कर लेंगे। सो अगर कोई नंबर मेरे पास आ गया, मान लीजिए कि 256 है, इसका स्क्वायर हमको करना है, ओके 256 का स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये 200 से कितना ज्यादा है 56, और 300 से कितना कम है 44 कम है, तो 56 44 का स्क्वायर तो हमें पता नहीं, उसको फिर से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करना है, हमें वैसा नंबर बेस लेना है जो 50 के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बेस ले लेंगे, 250, ठीक, और बाकी फिर सारा मेथड सेम है। ये 250 256 से कितना कम है, प्लस 6 और माइनस 6, जितना प्लस करना है उतना ही माइनस करना है। अब क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, ओके नाउ 256 में प्लस 6 ऐड कर दिए तो 262, और 256 में माइनस 6 क्या करते हैं, माइनस कर देते, ये हो जाएगा 250। अब क्या करना है, डिवाइड हमेशा किससे करना है, 100 से करना है, तो इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, डिवीजन कर दो, 5 5 25 5 2 10, और 2 से ये जाएगा 2 1 2, 2 3 6, और 2 1 2 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 3 15, 5 1 5 6, और ये एज इट इज 36 हो गया। ऐसे ही करना है आपको। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया 462, ये नंबर है, तो 462 किसके ज्यादा नजदीक है, 462 450 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो 450 से ये कितना ज्यादा है, प्लस 12, और कितना माइनस 12, माइनस 12 का स्क्वायर 144 लिख लिए हैं। उसके बाद 462 में 12 ऐड किए तो कितना हो गया, 474, और 462 में 12 माइनस किए तो कितना हो गया, 450। डिवाइड हमेशा 100 से, तो 100 से डिवाइड कर दिए, 5 से कैंसिल होगा, 5 9 45, 5 2 10, 2 से ये चला जाएगा तो 2 2 4, 2 3 6, और 2 7 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 63, 6 कैरी, 9 3 27 27, और 6 33, देन 3 9 2 18, एंड 3 21, और ये 1 यहाँ कैरी आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 444 पहले से, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ओके। सो ये था पूरा आपका, आप इसके थ्रू आप पूरा 101 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर विद इन आप 5 सेकंड और 6 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हो, ओके। और एक बार प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये तो इससे तो मेरा कैलकुलेशन नहीं फास्ट हो रहा है। सो कैलकुलेशन क्या है कि बच्चे जब चलना पैदा होते हैं तो तुरंत चलना नहीं स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, उतना आप जल्दी जल्दी इसे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, सो प्लीज प्लीज आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स दोस्तों के पास इसे शेयर करें, और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलें। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे तुरंत वीडियो देखने के बाद सॉल्व करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपने आंसर बताएं। इसी तरीके से मैं आपके आंसर को, आपके कमेंट को अपने वीडियो में लेता रहूंगा, ओके। सो ये आपका होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन, 204 स्क्वायर, 113 स्क्वायर, 505 स्क्वायर, 495 स्क्वायर, 690 स्क्वायर, ये आपका होमवर्क है। इसे आप वीडियो देखने के बाद तुरंत सॉल्व करें, और कमेंट में अपने आंसर को बताएं। जो
जिनके सारे आंसर करेक्ट होंगे मैं उनका आंसर वीडियो में लूंगा। और आपको इस तरीके का और भी वीडियो चाहिए हो तो अपने कमेंट को पुट करें कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वर्क करूंगा और आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रिक और इस तरह के वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।